नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। सोचिए, हम सब सालों से बिजली देख रहे हैं और अचानक से खबर आ जाए कि कुछ दिनों में बिजली बनाने वाला संसाधन समाप्ति की कगार पर है, मतलब अब पूरे प्रांत में अंधेरा ही अंधेरा होने वाला है। ऐसी खबर से हम और आप सभी स्तब्ध रह जाएंगे, क्योंकि बिना बिजली के जीविका को कैसे जिया जाएगा। आज हम ऐसी ही एक रिपोर्ट आपके सामने लाए हैं, जिसमें देश के एक प्रांत में बिजली का संकट गहराता जा रहा है, साथ ही वहां पर प्राइवेटाइजेशन का भी कोई फायदा नहीं मिला है। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। भारत में केंद्र सरकार हर सेक्टर में निजीकरण का रुख कर रही है, लेकिन हर सेक्टर में निजीकरण एक हद तक ही कामगार सिद्ध होगा, जिसको केंद्र सरकार समझने के लिए तैयार नहीं है। बता दें कि इस समय हरियाणा में लोगों को बिजली संकट का सामना करना पड़ रहा है। हरियाणा में अडानी और टाटा कंपनियों से टाई अप होने के बावजूद भी बिजली की आपूर्ति नहीं हो पा रही है। वहीं दूसरी ओर विदेशी कोयले के रेट बढ़ने से नई दरों को लेकर पेच फंसा हुआ है, और इसी बीच हरियाणा सरकार के पास सिर्फ 15 दिन की बिजली का ही स्टॉक बचा है। तो सोचने वाली बात तो ये है कि 15 दिन बाद हरियाणा सरकार प्रदेश के लिए क्या रास्ता निकालेगी। बता दें कि हरियाणा को हर रोज 8000 मेगावाट बिजली की जरूरत होती है, जिसके लिए राज्य सरकार प्रदेश के सभी पावर प्लांटों से काम लेता है। प्लांट को चलाने के लिए 15 रैंक कोयले की जरूरत पड़ती है, पर हरियाणा सरकार को 10 रैंक पर ही संतोष करना पड़ रहा है। इस परेशानी से जूझते हुए राज्य सरकार ने केंद्र को कई बार अपनी परेशानी साझा की है और कोयले आपूर्ति को बढ़ाने के लिए पत्र भी लिखा है। बता दें कि अडानी कंपनी बिजली के लिए हरियाणा से नई बिजली दरों की मांग कर रही है। कंपनी ने सरकार को 3.40 रुपए की बजाय 6.25 रुपए पर यूनिट की नई दरों का प्रस्ताव दिया है। कंपनी का तर्क है कि विदेशी कोयला महंगा होने के चलते उनको हजारों करोड़ रुपए का घाटा हो रहा है, इसलिए वहां अब प्लांट नहीं चला सकते हैं। प्लांट चलाने के लिए सरकार अतिरिक्त चार्ज दे, जिसके बाद ही बिजली सप्लाई शुरू हो पाएगी। हरियाणा और केंद्र सरकार इस मामले पर कोई भी फैसला ले, लेकिन सच तो ये है कि गाज तो सिर्फ आम आदमी को ही झेलनी पड़ती है। अब देखना ये होगा कि राज्य में 15 दिन के बाद क्या होगा।